कलयुग के अंत से पहले 10 लक्षण। सावधान, कलयुग चरम पर है। बचना है तो जान ले पुराणों की ये भविष्यवाणी। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह स्पष्ट लिखा गया है। यह भी है कि इस युगों में जब कहीं भी प्रलय होगी तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उससे मनुष्य की जाति को बचाएगा। तो दर्शकों, आइए मिलकर जानते हैं कि पुराणों में कलयुग का व्याख्यान और ये कि कलयुग में सावधान क्यों रहें। यह 10 तथ्य पुराणों में जिसका वर्णन विस्तार में है। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाला समय समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधियों लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुर्तकों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिसका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अनंत भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। भगवत पुराण में लिखा है कि जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएगा तब ऐसे लोग सत्ता पे काबिज होंगे। ये सब के सब परले सिरे से झूठे, अधर्मी और स्वयंवल दान करने वाले होंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथियार लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना ही घटते। उनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये मलेच होंगे। छोटी बातों को लेकर ये क्रोधित के मारे आग बबूला हो जाएंगे। वे लूट खसोरट अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में भी वे एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंत में सबके सब नष्ट हो जाएंगे। दूसरा है भविष्यकर्ता। पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्टों जैसा हो जाएगा और योनि भी दुष्ट चित्त वाली होगी। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएगा। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवतत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्य की बुद्धि धर्म से विपरीत चलती जाएगी। तीसरा, महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्य में वर्ण और आश्रम संबंधित प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई भी नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई भी किसी के भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, वो बलवान होगा, वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। चौथा, कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य को बड़ा घमंड हो जाएगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेगा। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। पांचवा, द्रव राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि
धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा की सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय में धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। छठा है, कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा ना होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल फूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी ना किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। जब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे, देव पूजा अतिथि सत्कार श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी नाटी अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपनी ही पेट पालेंगी, क्रोध से भरी रहेंगी, देह शुद्धि की और ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। सातवां, कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा ना करके बल्कि उनसे बहाने से प्रजा से धन का अपहरण करेगा। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेगा। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5-6 अथवा 7 वर्ष की स्त्रियां और 8-9-10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक की ही जीवन जी पाएगा। उस समय लोग मंद बुद्धि व्यर्थ में चिंता धारण करने वाले बुरा सोच रखने वाले होंगे। आठवां, लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे। जी हाँ, तथा जिनका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी, दसों दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग के समय में और कलयुग के समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने लगेगा। शास्त्र ज्ञान के सहित दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत में मोह और लोह सर्वभक्षी हो जाएंगे, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे तथा मनुष्य में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। नौवा है, श्रीमद् भगवत के द्वाश यानी कि द्वाश स्कंद में कलयुग के धर्म की अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी कहते हैं कि ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल और स्मरण शक्ति का लोभ होता जाएगा। दसवां, कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा प्रचंड आदि और जोर की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुरा लेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। लोगों की आयु कम होती जाएगी। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 से 30 वर्ष होगी। जिस समय कल के अवतार आएंगे, तब मनुष्य की लंबाई काफी घट चुकी होगी। अंत में इस घोर कली काल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की और लौट आना चाहिए और हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित करना। 30 वर्ष होगी। जिस समय कल के अवतार आएंगे, तब मनुष्य की लंबाई काफी घट चुकी होगी। अंत में इस घोर कली काल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की और लौट आना चाहिए और हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित करना चाहिए।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की जानकारी कलयुग के अंत के समय के दक्ष लक्षण जरूर पसंद आए होंगे। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।